यहाँ खड़े हो? ठीक है, ओपन ओपन करें आइज़, इसकी आइज़ सरप्राइज। 1 2 3 कैसा लगा, कैसा लगा? जाए जाए खड़े हो, कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा लगा, मजा आया, कितना प्यारा लग रहा है ना मुस्वा। कैंडल्स बुझाई नहीं, और चलो कैंडल्स भी बुझ गई, सारा मजा आ गया, बर्थडे फिनिश। चलो अभी अंदर जाओ, ये सब कुछ मैं खाऊंगी, मजे करूंगी। और बनाया क्या क्या है ये भी तो बताएं। कोरियन नूडल्स है। ओके, केक है, केक है, जूस है, बस जूस है, बस ये बस है। और ये क्या है भाई? ये मेरा गिफ्ट है। किसने दिया है? जैनब, तीन आयजा और आयान, तीनों बहन भाइयों ने ये गिफ्ट दिया है। वाओ जबरदस्त, ये तो बहुत ही क्यूट है यार। ओके देखो, हर दफ़ा हम उस घर में करते हैं ना, दीवार का कोई कोना या पीछे से गंदी सी दीवार हमारी नज़र आ रही होती थी, याद है? है ना? और फर्स्ट टाइम आज अल्लाह का शुक्र है हम न्यू घर में कर रहे हैं। जब लास्ट टाइम मुस्तफ़ा की बर्थडे थी, जब भी हमने यही सोचा था कि इंशाल्लाह अगले साल हम उस नए घर में होंगे, है ना? ना अल्लाह पाक ने हमारी दुआ कबूल फरमाई, है ना मुस्तफ़ा? हाँ, अब अल्लाह का शुक्र भी अदा करना, किया है अल्लाह का शुक्र अदा करो। फाइनली जनाब मुस्तफ़ा की बर्थडे हो गई है, छोटी सी हमने सेलिब्रेट की लेकिन बहुत मज़ा आया। और छोटी छोटी खुशियां मना लेने से छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, और बहुत अरमान था हमारा कि प्रॉपर अच्छे से मज़े से हम बर्थडे मनाया करें। हर साल हम मनाते हैं घर में इसी तरह, मैं और बच्चे कुछ छोटा मोटा कुछ भी बना के या घर में बना के या बाहर से ला के कुछ ना कुछ हम ज़रूर करते हैं, बच्चों को मैं खुश करती हूँ। और उस एक कमरे में रह के हम सारी खुशियाँ अपनी, हर एक खुशी मैंने इनकी सेलिब्रेट की है, हर एक खुशी मनाई है हम लोगों ने। और लेकिन दीवारें मतलब कि कोई सेटिंग हमें समझ ही नहीं आती थी कि इस दीवार पे हम हैप्पी बर्थडे लिखें, किस दीवार को पीछे बैकग्राउंड बनाएं। गंदी दीवारें होती थी, कोई जगह नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हम सब कुछ करते थे। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ, हम सोचे जा रहे इस दीवार पर करें, नहीं ये बहुत गंदी है, उस दीवार पर करें। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और वही बात है कि आपको नहीं पता होता कि कब बूढ़ियत की घड़ी कब है, आपको नहीं मालूम होता। तो बस पिछले साल मैं बच्चों से यही कह रही थी कि इस साल हम सारी बर्थडे जो है सब बच्चों की इस कमरे में मनाई है, ये लास्ट टाइम है। इंशाल्लाह अगले साल जो है ना, अल्लाह ने चाहा तो हम अपने घर में होंगे, वहाँ पर मना रहे होंगे सब कुछ बहुत अच्छे से, खुले डुले माहौल से। तो वाकई अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल फरमाई, 2023 की जो बर्थडे है मुस्तफ़ा की और बाकी बच्चों की भी, इंशाल्लाह इस घर में हम मनाएंगे मुस्तफ़ा की। सबसे पहले इस नए घर में जो पहली बर्थडे मनाई गई है वो मुस्तफ़ा की है, शुरुआत मुस्तफ़ा से हुई है। और ये मेरा लकी बेटा है, ये लकी बच्चा है, होता है ना बच्चों में कोई लकी बच्चा होता है, ये लकी बच्चा है। माशाल्लाह से सभी लकी हैं, अल्लाह पाक सब बच्चों को, मेरे बच्चों को, सब बच्चों को जो है और जो है कामयाब करे, सहली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और खुशी है, बहुत खुशी है, लेकिन उदासी भी है, बहुत सी चीज़ों की उदासी है, बहुत सी चीज़ों पर दिल दुखी भी है। कभी कभार आपको ज़िंदगी की हर आसाइश मिल जाती है, कभी कभार आपको ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाती है, फिर भी आपका दिल उदास होता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं आपके और आपके परवरदिगार के दरमियान में रहनी चाहिए, पर्दा रहना चाहिए, वही बेहतर है। बस दुआओं में याद रखेंगे, बहुत खुशी हो रही है यार, यकीन नहीं आ रहा कि वाकई ये वक्त आ गया है कि इस नए घर में मैं अपने बच्चे की, अपने बच्चों की हर चीज़ जो है खुले डुले उससे मना रही हूँ। वैसे तो वहाँ पर भी कोई ख्वाहिश मैंने इनकी जाने नहीं दी,
अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत दे कि आगे भी जो ख्वाहिशात हैं मैं सब इनकी पूरी करूँ। आमीन सुम आमीन। दो में याद रखूँगा। अल्लाह हाफिज़। मुस्तफ़ा कोई कहेगा आग लग गई है घर में, धुआं निकल रहा है।